Hi guys, welcome back to my channel, Raman Sharma और Raman Sharma Vlogs. So अभी का सीन ये है, मुझे पता बहुत टाइम बाद व्लॉग आ रहा है, बट अभी का सीन ये है कि मैं जा रहा हूँ, एक सेकेंड मैं ना गाड़ी आराम से रिवर्स कर करके फिर आपको बताता हूँ क्या सीन है. एक सेकेंड शेड्स पहन लेता हूँ, शेड जरूरी है. मैं आज एक बार डेंटिस्ट के पास जा रहा हूँ ब्रेसेस लगवाने, मतलब पूछने कि इनका थोड़ा सा मेरे दांत में गैप है ना, तो उसके लिए. तो अभी मैं जा रहा हूँ मम्मी जी के पास, उनको डेंटिस्ट के पास जाना था. मैंने सोचा मैं भी एक बार ये चेक करा लेता हूँ. पता है ऐसे लोगों को ना, ऐसे लोगों को मैं अनपढ़ बुलाता हूँ. जैसे ये गाड़ी है, इसको लेफ्ट जाना नहीं, लेफ्ट की तरफ दबा दी, मेरे को लेफ्ट जाना, मेरी गाड़ी नहीं निकल सकती. मतलब गुस्सा आते है, देखो गाड़ी का नंबर, कंप्लेंट मार दो पुलिस में. बाकी मैं घर पहुंच गया हूँ, मतलब मैं घर के नज़दीक आ गया हूँ. मम्मी को कॉल करूंगा कि नीचे आए. अगर आज ही उसने सोल्यूशन दे दिया ना कि आप अपना ब्रेसेस लगवा लो, तो आज ही मैं अपना ये दांतों का नाप दे आऊँगा. दांतों का नाप दे आऊँगा और फिर देखते हैं. फिर देख, मतलब वायर वाले तो नहीं लगवाऊंगा यार मैं. वायर वाले स्कूल में लगवा लेते तो लगा लेते, अब कहाँ वायर वाले. अब ट्रांसपेरेंट ही लगवाऊंगा, जो ऐसे अटैच और डिटैच करते हैं, सबसे बढ़िया वही रहते हैं. ये बाल बना लो आप, मुझे बाल वाल नहीं बनाते भाई. जैसी हूँ वैसी यार. आप मम जी अलग क्यों हो जाते हो भाई? अलग अलग क्या होना है, बकवास मत कर. हाँ फिर नॉर्मल, जैसे नॉर्मल होते हैं वैसे रहो. आप कुछ रहते हैं, आवाज बिल्कुल ऐसे पतली सी. अरे पता नहीं क्या क्या है मेरे भी. देख देख, एक्चुअल एक्चुअल ही रहो, जैसे एक्चुअल हूँ. रोने और सुना भाई, क्या हाल है? हाँ बस ऐसे रहो फिर. और भाई जब अगर ने एक्टिंग करनी, रमन बेटे वही तो एक्टिंग नहीं करनी, एक्टिंग नहीं करनी. ठीक है, और आज हमें तेरे दांत दिखाएंगे. दांत में क्योंकि गैप आया हुआ है, हल्का सा ही, ज्यादा नहीं है. ज्यादा नहीं है, लेकिन मैं चाहती हूँ वो तेरे ना वो फंसे नहीं भोजन, और ना वो कीड़े नहीं लगाए. अपनी भाषा में बोलते अभी जैसे हमारे घर में नहीं, वो हमारे भैया अनिल भैया, उनके इतने दांतों में गैप है. हाँ, उसको देख देख के मैं हर साल है ना, क्या कहते हैं, चावल के दाने का ना गैप बढ़ता जाता है. 5 रुपए का सिक्का निकल सकता है उनके दांतों के बीच में से. सच में वी लव यू अनिल भैया. तो अभी हमको जाना है गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन M3 अरबाना. और अमन अभी इस गाड़ी में, फॉर्च्यूनर में अमन है. अमन ऑफिस जा रहा होगा अभी. कल है ना रमन, मेरा क्या हुआ? अमन रो तकता है. और न मैं सिम्बा के चक्कर में ना बहुत जल्दी आई ऐसे के नाम है, सिम्बा तो मिलूंगी. और आकर एकदम चढ़ा मोटवाई ले उठा के लेकर आया, और न चढ़ के और पता है क्या करने लगा. वो न गुस्सा था पर, क्योंकि न मैं बोल के नहीं गई थी. ये देखो मेरे जूते कितने चमक रहे हैं, नए शूज है ना. मेरे दिमाग में रहता रहा था, मतलब 3-4 दिन हो गए इन शूज को आए हुए. मैं सोचा आज पहनूंगा कल पहनूंगा, यार निकालने का मन नहीं करता ना यार, गंदे हो जाएंगे. ये आ गया भाई आपका M3 अरबाना. वैसे तो क्लीन रहता है, इसलिए क्लीन रहता है क्योंकि 3-3 ड्रेस चेंज करता. बाकी यार आगे मेरे को थोड़ी टेंशन हो रही है यार, दांत तो मैंने साला कभी कुछ ना कुछ बताया करो. साला सबसे पहले तो नहीं, हाँ मेरे को बिठा देना. सुनो ना, तो मेरी ना एंजाइटी होती रहेगी. मेरे को पता है बहुत सारी चीज बताया गया यार, उसको बोलना मत कि बहुत सारी चीजें इसको डर लग रहा है कि आप जबरदस्ती बता दे. बाकी आपको मैं अपडेट देता हूँ कैसे रहता है, जो जो रिपोर्ट आएगी आपको बताऊंगा. आज तो मेरे मजा आ गया, तुम मेरे साथ आए. करवाना है दांत का, फिर ना तू काम फंस के फिर करता नहीं, पता है? है तो अब चीज ये आ रही है. करा करूं के पार बोलता पापा जी को. नहीं मेरे दिमाग में क्या है, अभी हमने, मैंने जैसे टूथसी वगैरह की अपॉइंटमेंट तो बुक कर दी कल की, बट उसके मैंने फीडबैक जब ऑनलाइन देखे ना, तो मेरे को कोई अच्छे फीडबैक नहीं लगे. 6 से 8 महीने लगेंगे, तो दिमाग में साला ये है कि अगर कुछ भी ऊपर नीचे हुआ तो कोई डॉक्टर होना चाहिए जवाबदारी के लिए. टूथसी के जो फीडबैक ये थे कि ये आपके लगा तो देंगे अच्छे से, बट जहाँ प्रॉब्लम आती ना तो डॉक्टर अच्छे से बात नहीं करता, तो ये फीडबैक्स आए हैं टूथसी के. तो फॉर द टाइम बिंग हमने छोड़ तो दिया है. ये डॉक्टर ना कम से कम हमारा ना 15-16 साल पुराना है, और हम इस पर ना विश्वास कर सकते हैं, समझा? तो अभी एक साल, मतलब अभी एक दिन का टाइम लिया है, देखते हैं. आपको मैं अमाउंट बता देता हूँ कि कम से कम ना मान के भी 115 नहीं, हाँ मतलब 1-20 के अराउंड पैसे लगेंगे. 1,20,000 रुपए
और ये कहीं नहीं गई इतने पैसे, 1,20,000 लगेंगे इसमें, सब कुछ चीज इंक्लूडेड होगी। बाकी अब देखते हैं मार्केट में और क्या रेट है और फिर देखते हैं कि हम इस चीज का करेंगे क्या, क्योंकि उसने बोला कि आपको ज्यादा जरूरत भी नहीं होगी, आपके तो बिल्कुल ही ना के बराबर गैप है। बाकी हाँ, दांत वात बिल्कुल सेक्सी है, दांत में कोई प्रॉब्लम नहीं, क्लीनिंग की जरूरत है, वो क्लीनिंग भी करवानी है मुझे पहले। 2000 लगेंगे, हाँ मतलब क्लीनिंग के 2000 लगेंगे, पहले क्लीनिंग होगी फिर उसके बाद वो करेंगे स्कैनिंग। अभी आप क्या प्लान है? अभी मुझे ना वो कुलचे, भूख लग रही है? हाँ मैंने खाना, चाहे भूख लगो चाहे ना लगो। फिर अभी खाना है तो ये भी कहीं वाला इधर खा लो, ये खाना है क्या? आपसे पूछ रहा हूँ मैं, तो कहीं खिला दे मुझे आपको अगर मैंने खाना है। भूख क्या, मैंने खाना है मतलब खाना है, 2:30 बजे लंच का टाइम होगा, मैं आती हूँ अरे राइट की तरफ रखो भाई, अरे राइट राइट मम्मी जी राइट, अरे राइट है छोटो, आप फसवाओगे। ये भगवान, मैंने की गाड़ी चलाई है, मजा आ रहा है ना वैसे जैसे बच्चे लेफ्ट लेफ्ट अरे भाई भाई पकड़ ले, छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। ऐसे हम ना जब ड्राइवर होते थे ना हमारे उधर ऑफिस में, तो उनके साथ हम ऐसे सीखते थे, मैं भैया हैंडल तो घुमाने दो, फिर धीरे गियर तो चेंज करने दो, फिर ऐसे करके भी गाड़ी सीखी। तो अभी जा रहे हैं हम बीकानेर वाला मम्मी जी के साथ लंच डेट। तो भैया आ गए हैं मम्मी जी के साथ लंच डेट पे। तेरे हाथ में हाथ तो दो, मेरा हाथ हो सारी जन्नते मेरे साथ, या मौला। क्या टाइम आ गया, मम्मी जी मुझे गाइड कर रही कि ऊपर चलना है। रोज कौन है आप? एक दिन आई थी जब नई गाड़ी थी, ये जिस गाड़ी में बैठे थे नई गाड़ी ली थी ना इलेक्ट्रा, तो हम इधर ही आए थे। ये वाला बीकानेर वाला अच्छा है, गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन वाला, थोड़ा ना स्पेशियस, और बीकानेर वाला में एक अलग से खुशबू आती है पता है। अरे देख देख क्यों करना कर रही करना ना जी, वो खाटू श्याम वो खाटू श्याम में ना हम गए थे ना, एक लड़की थी छोटी बच्ची, वो ऐसे करके चलती थी। फाइव स्टार होटल टाइप है, नहीं नहीं वो तो मम्मी वो काउंटर बिलिंग काउंटर। ओए होए लोग तो भाई लंच करने सारे इधर ही आते हैं, भीड़ देखो। ग्रीन चटनी दे दो, ग्रीन चटनी, ग्रीन चटनी के बिना कैसे काम चलेगा भैया हमारा। और मम्मी जी के चेहरे पे मुस्कान याने, अरे मैं तो कमाल हूँ उनके चेहरे मुस्कान। ये लो, थैंक यू। तो भाई बीकानेर वाले से खाना खा के अब निकल रहे हैं ऐसे करके, और खा के वो टाइम बाद मम्मी जी के साथ लंच डेट पे आया था। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरा मन नहीं था ये भटूरे भटूरे खाने का, बट मम्मी जी ने बोला भटूरे भटूरे। तो मम्मी जी ने मटर कुल्चे खाए थे, फिर मम्मी ने थोड़ा सा भटूरे भी खाए, मेरा खाना खाने का मन था नहीं कुछ, कोई फायदा है नहीं। फिर मम्मी कहीं डलते तो है नहीं ये फोटो, छोड़ चले। I love बीकानेर वाला, I love गुरुग्राम। भाई मम्मी जी को कर दिया ड्रॉप और मैं चल पड़ा हूँ ऑफिस की तरफ। यार मैं सच्ची बताने हैं, मेरे को ना बाल बड़े करने तो हैं, बट ये जो ना मेरा वो जो नहीं था माला माल विकली में बाजे उस तरीके का आ जाता है यार ये, और मेरे को नहीं, मेरे को चीज पसंद नहीं है। देखो मतलब अभी तो ठीक लग रहा है क्योंकि नीचे गिर गए, इसलिए जो ये कर्व आता है ना, आप लोग सजेस्ट करो यार, बाल बाल कटवाऊँ ना कटवाऊँ। मन तो है यार मेरा, हमेशा से ड्रीम रह गया शाहरुख खान वाले बाल करूँ, बट यार शाहरुख खान के बाल को मैनेज करने के लिए कम से कम बहुत लोग होते हैं, बहुत ज़्यादा लोग होते हैं, उनके तो कहाँ मैच हो पाएंगे बाल, बट थोड़ा आसपास रखने का थोड़ा मन तो करता है ना कि मतलब यार थोड़े बहुत बाल। तो गाइस कल मैंने इसके बाद कुछ खास व्लॉग किया नहीं, ये नेक्स्ट डे आ गए, आज टुत्सी वाले आएंगे, उसका अपडेट मैं आपको अगले ब्लॉग में दूंगा। बाकी ये ब्लॉग आपको अगर पसंद है तो प्लीज़ लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो, और मुझे बताओ कि जो मेरे यू नो बाल हैं मैं उनको बड़ा करूं या छोटा रखूं, शाहरुख खान वाले बन पाएंगे नहीं बन पाएंगे, क्योंकि साइड से रखते जैसे बन जाएंगे, तो ये ऐसे नहीं। बाकी लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करो चैनल रमन शर्मा, कुछ फीडबैक देना आप दे सकते हो, मेरे को अच्छा लगा तो ठीक है, नहीं तो डिलीट कर दूंगा कमेंट। बाय।